गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक रेसिपी के साथ आपके वीडियो शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे लिया हुआ हमने 2 कटोरी आटा, 1 कटोरी बेसन, अच्छे से मिला के आटा लगा लिया था। उसको आटे को हमने रख दिया है और ये हम बाटी बना रहे हैं। इसकी रेसिपी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, क्योंकि लाइट चली गई थी उस वजह से हम रेसिपी आपको पूरा तरह से दिखा नहीं पाए हैं, लेकिन दाल चूरमा का हम आपको पूरी रेसिपी दिखाएँगे। ये बाटियाँ ये ना दाल के साथ खाई जाती हैं, ये काफ़ी अच्छी बनती हैं। ये ना बेसन, इसमें बेसन डाला होता है और आटा, अजवाइन, कस्तूरी मेथी, नमक, बस इतनी चीज़ों की ये बनती हैं। काफ़ी टेस्टी बनती हैं ये। तो देखिए, जो हमने आटा लगा के रखा हुआ था, आटा और बेसन, तो इसकी ना उस तरीके से ये बाटी बना लेते हैं हम। इस तरीके से मतलब मुट्ठी मार मार के, जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम एक एक करके उसमें डाल देते हैं। कढ़ाई में 4 से 5 डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। जितना हमारा ऑयल है उतने में ही हम डालेंगे। मैं ना सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप लोग रिफाइंड ऑयल ले सकते हो, घी भी ले सकते हो। तो जो हमने बाटी बनाई थी उनको सेक के रखा हुआ था, तो उसमें डाल देंगे हम यहाँ पे घी। 2 से 3 चम्मच घी है। इसको गर्म करके मैंने इसलिए नहीं डाला है, क्योंकि जो बाटी है ना वो गर्म है, काफ़ी देर तक मिंट हो जाएगा जो घी है इसमें। और ये गरम गरम बाटी होती है ना, इनमें तभी घी मिलाना होता है ताकि अब्जॉर्ब हो जाए इसमें घी। और फिर घी मिलाने के बाद इन्हें दाल से खाइए, बहुत टेस्टी बनती है ये वाली बाटी। तो हमेशा से ही मैं इस तरीके की बाटी बनाती हूँ, मेरे घर में सबको पसंद आते हैं। आपको बहुत पसंद आएगी ये वाली रेसिपी, आप लोग ट्राई करिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो आप। तो जो हमने चूरमे के लिए बाटी बनाई थी ना, वो भी सिक के तैयार हो चुकी हैं। इन्हें थोड़ा सा ठंडा करेंगे हम यहाँ पर, थोड़ा सा ठंडा करके फिर इन्हें तोड़ते हैं। इन्हें आप खल्लड़ से तोड़ सकते हो, या आप जैसे कोई भी भारी वजन वाला होता है ना बर्तन, या कोई कुछ भी ले सकते हो बटना। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके इन्हें यहाँ पे फोड़ के थोड़े थोड़े टुकड़ों में इन्हें करना पड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर जो खल्लड़ का होता है ना, उसी से यहाँ पर तोड़ रही हूँ इनको। ये थोड़ी सी अभी गर्म है, जब ठंडी हो जाएंगे दोनों हाथों से इन्हें मिक्स कर लूँगी। तो मैंने कुछ सोचा कि आज कुछ नया बनाती हूँ। चलिए, हर रोज़ मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो कुछ नया खाने का मन कर रहा था, तो मैंने इसलिए बनाई है दाल बाटी। रोज़ रोज़ रोटी खाने से थोड़ा सा बोर भी हो गए थे, तो इस तरीके से मैंने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और यहाँ पे मिक्सी जार लगा लिया है। अब मैं इनमें इसे डाल के पीसूँगी। अब मैं तो इसे ना मिक्सी से पीस कर बनाती हूँ। मेरे पापा क्या करते थे, इन्हें ना खल्लड़ से कूट के बनाया करते थे। हर दिवाली पे बनाया जाता है मेरे यहाँ पे, गोवर्धन दिन, बाली दिन बनाया जाता है ये, इसका ही भोग लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं मिक्सी से पीस लेती हूँ इसको ना। महीन आप ज़्यादा महीन ना पीसे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें ना मावा भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर ज़्यादा महीन नहीं पीसूँगी, क्योंकि थोड़ा मोटा होता है ना तो खाने में टेस्टी लगता है। तो ये जाल है ना, वो हमारा बड़ा वाला है, छोटा वाला ख़राब पड़ा हुआ है, इस वजह से मैं बड़े वाले जाल से ही पीस रही हूँ। और गर्मी काफ़ी हो रही थी और बार बार लाइट आ रही थी जा रही थी, इस तरीके की हो रही है, हर जगह यही नाटक कर रही है इस लाइट के। भी गर्मियों में बहुत कम लाइट आती है। तो बस यहाँ पर देखिए, थोड़ा थोड़ा करके पीसना है हमको, ताकि जो हमारी मिक्सी है वो भी ख़राब ना हो, और जो हमारा ये है जो पीस जाए अच्छी तरीके से चूरमे का। तो बस यहाँ पे देखिए, एक बार जाल में मैंने पीस लिया है, दोबारा से डालूँगी। ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, बस अभी के खाने के लिए ही बना रही हूँ। जब मैं दीपावली पे बनाती हूँ तब तो कुछ ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि फैमिली में सबको देना होता है उस टाइम पे। तो अब मैं ये अपने लिए खाने के लिए ही बना रही हूँ, तो ज़्यादा नहीं बनाया हुआ है, थोड़ा सा ही बनाया हुआ, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा हो रही है। इस हालत में मैं तो बनाने के लिए बैठ गई थी, मन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी बड़ी वाली बेटियाँ एक दिन कह रही थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो बना लेती हूँ उसके लिए भी। बच्चों का मन रखने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है माँ को। तो बस यहाँ पे मैंने भी सोचा, गर्मी तो पड़ी रही है, थोड़ा सा बना देती हूँ। पंखा चल रहा है थोड़ा धीरे धीरे। वैसे इनको एक बार किचन में खड़े होकर सेक के लेके आई थी। तो मिक्सी हमारी चल रही है यहाँ पे, 2 बार हमारा पिस गया है, अब लास्ट बार बचा है, उसको भी यहाँ पे पीस लेते हैं। इसी को इस तरीके से पीसना होता है सभी को। मिक्सी से बहुत ही आसान तरीके से चूरमा बन के तैयार हो जाता है, ना ही ज़्यादा मेहनत लगती है और खाने में भी टेस्टी लगता है। दाल मैंने बनाई है इसके साथ, अरहर की दाल बना के रख दी है।
अरहर की दाल या धोवा दाल उड़द की आप बना सकते हो इसके साथ। तो बस यहाँ पे देखिए सारे इसको मैं पीस लेती हूँ। अभी एक परात में इकट्ठा कर लूँगी। पहले यहाँ पे 4 से 5 इलायची ली हैं, इनको कूट के इनका बनाऊँगी पाउडर। तो इनका पाउडर बना के जो मैंने पीसे हैं ना उसी में डाल देती हूँ, यहाँ पे अच्छे से मिलाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल में मैंने इलायची को मिला के रखा हुआ क्योंकि लाइट चली गई थी, मुझे रुक रुक के वीडियो बनाना पड़ रहा था क्योंकि लाइट आ रही थी जा रही थी, इस वजह से इसको ना ढक के रखना ही पड़ता है। तो फिर से लाइट आ गई थी तो फिर से यहाँ पे मैंने देखिए बूरा डाला हुआ है, किशमिश डाल दी हैं। इलायची का पाउडर मैंने पहले ही इसमें मिला दिया था। आपके पास और भी ड्राई फ्रूट हो ना वो भी मिला सकते हो, मेरे पास तो अभी किशमिश ही थी तो मैंने वो मिला दी हैं। यहाँ पे घी डालेंगे हम गरम करके, समथिंग मैंने यहाँ पे 200 ग्राम घी लिया हुआ था वो मैंने गरम किया है और थोड़ा सा बिना गरम किए ही डाल दिया था, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो फिर मैंने इसको अच्छे से मिलाया चम्मच की सहायता से और दोनों हाथों से यहाँ पे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते कितने टेस्टी और सुंदर खाने में मतलब लगते हैं ये वाले लड्डू ना, आप ज़रूर बनाइएगा। इन्हें ना हमारे यहाँ पे चूरमा बोलते हैं, आप लोग बताइएगा आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं। तो हमारे लड्डू बनके तैयार हैं, इतने से मैंने बनाए हुए हैं। तो बस इन्हें ना एक डिब्बे में भर के रख दे रही हूँ क्योंकि जो लोग खाएंगे जो हम खा लेंगे और बचेंगे उनको डिब्बे में ही रह जाएंगे। तो बस देखिए यहाँ पे डिब्बे में भर के रखे हुए थे तो मैंने यहाँ पे अपने लिए निकाले हैं 2 बाटी 1 लड्डू दाल निकाली हुई है। तो आइए फ्रेंड खा लीजिए दाल बाटी चूरमा। बाटी को ना मैं दाल में गला के खाती हूँ, इस तरीके से काफ़ी टेस्ट आता है। तो बस ये हमारा आज का लंच हुआ है और लंच हमने आज यही बनाया हुआ था। हाय फ्रेंड, तो बन के रेडी हो चुका है हमारा दाल बाटी चूरमा। चूरमा है, बाटी है, दाल भी है और तब से ना लाइट नहीं आ रही थी, काफ़ी लाइट की परेशानी हो रही है गर्मियों में, हर जगह ही हो रही है तो हम पूरी अच्छी तरीके से वीडियो शूट नहीं कर पाए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो देखना है ना तो यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है, इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी पूरी। अगर इसमें समझ में नहीं आया होगा तो ये तो मैं सिंपल तरीके से बना लिया है, जैसे कि थोड़ा सा मन किया तो थोड़ा सा बना लिया है मैंने। तो पूरा वीडियो अगर पूरा आपको रेसिपी चाहिए तो आप मेरा चैनल देख सकते हैं, चैनल खोलिए, वीडियो डली हुई है उस पर। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू वीडियो में, बाय बाय। और प्रेगनेंसी की हालत में इतना सब कुछ बनाना बहुत काफ़ी टफ होता है।